दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पौंटा साहिब। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती व वन मंत्री गोविंद ठाकुर भी उपस्थित रहे। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी सीट के साथ ही अन्य तीनों सीटों पर इस बार रिकॉर्ड जीत भाजपा दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर वह अभी तक प्रदेश की 35 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। लोगों में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश की जो चार लोकसभा सीटें हैं, चारों सीटों पर मंडी लोकसभा क्षेत्र से पहला ये नामांकन पत्र दाखिल किया गया है श्री रामस्वरूप शर्मा जी का, जो वर्तमान में सांसद हैं। कल शिमला का है और उसके बाद परसों 26 तारीख को हमीरपुर और कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के। भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों पर आज की तारीख में मजबूत है और आगे है कांग्रेस पार्टी की तुलना में, और मैं रामस्वरूप जी को शुभकामनाएं देता हूं आज के इस नामांकन पत्र के इस अवसर पर। और उसके साथ साथ मैं ये कह सकता हूं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें तो जीतेंगी, लेकिन उसके साथ साथ में मार्जिन भी हमारा पहले की तुलना में अब की बार बढ़ेगा। पूरे हिमाचल प्रदेश के चारों लोकसभा क्षेत्र में मेरा जाना हुआ है। मैं 35 विधानसभा क्षेत्र का दौरा लोकसभा के इस चुनाव की घोषणा के बाद जो है आचार संहिता लगने के बाद पूरा कर चुका हूँ अपना प्रभाव, और सब जगह एक माहौल है, एक वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मोदी जी का प्रभाव, मोदी जी के नाम पर एक लहर और प्रदेश सरकार का एक साल का काम, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मदद हमारे लिए जो है वो जीत की दिशा में आगे बढ़े। सर, अभी कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप चढ़ा है कि सांसद ने 4 साल की जो आयकर रिटर्न है वो नहीं भरी है और तीन दिन पहले ही रिटर्न भरी है, तो सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इनकम टैक्स जो है वो सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। इनकम टैक्स में अगर रिटर्न में कोई अगर इस प्रकार की कोई त्रुटि रहती है, कमी रहती है, प्रोविजन जो उसमें हैं कानून के तहत हैं, उन प्रोविजन के तहत जो है वो रिटर्न फाइल की गई है, उसमें मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं है, वो कोई आपत्ति ना होनी चाहिए। इस पर आज की तारीख में सारी डॉक्यूमेंट, सारी फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट है, पूर्ण रूप से ये सारी चीज़ें जो है वो दस्तावेज के रूप में जो है प्रस्तुत है, जो जानकारी चाहिए वो देंगे। थैंक यू। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी के साथ अमन अग्निहोत्री की रिपोर्ट। हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पिछले 25 वर्षों से अपनी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा व बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्थान में जीएनएम नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, बीडीएस, एमडीएस के साथ साथ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा व सेवाओं में ग्रुप बेहतरीन कार्य कर रहा है। यहाँ से नर्सिंग को फार्म केयर की शिक्षा प्राप्त कर छात्र छात्राएं प्रदेश व पड़ोसी राज्य में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। संस्थान द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षित फैकल्टी उपलब्ध है। इसके साथ साथ संस्थान पौंटा साहिब में चैरिटेबल अस्पताल भी चला रहा है। संस्थान भविष्य में भी बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।